हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में साधु के भेष में लोगों को अनिष्ट होने का खतरा बताकर अपने झांसे में लेकर रुपए हड़पने वाला गिरोह इन दिनों सक्रिय दिख रहा है, तो वहीं पुलिस भी अपनी सक्रिय भूमिका दिखाते हुए इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिरियारी थाना इलाके के निचली निमड़ी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें पूनम नाथ, रतन नाथ, दिनेश नाथ, सुरम नाथ जोगी हैं। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने इस तरह का गिरोह बनाकर क्षेत्र में पहली ही वारदात को अंजाम दिया और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हालांकि इस गिरोह के मुख्य सरगना पूनम नाथ ने एक व्यक्ति को अपने झांसे में लेकर उसको उसके साथ अनिष्ट होने का खतरा बताया और पूजा पाठ करवाने का कहकर 44,000 तो हड़प लिए, उसके बाद 50,000 की और मांग की लेकिन नहीं दे सका, तो उसने अपने घटना की जानकारी अपने परिजनों को बताई। तभी उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट पेश करने की सलाह दी और वह पुलिस थाने में पहुंच गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 4 आरोपियों को धर दबोचा। परिवादी ने लिखित रिपोर्ट पेश की, वह बताया कि मैं एक दिन मोटरसाइकिल पर जा रहा था और साधु के वेश में 4 जने बोलेरो गाड़ी में मेरे सामने से रास्ते में मिले और मेरे से मारवाड़ जंक्शन जाने का रास्ता पूछा। बाद में कहा कि बेटा तेरे ऊपर भूत प्रेत की साया है, तेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, तू परेशान दिख रहा है, इस तरह से उसकी परेशानी को और ज़्यादा यूँ बढ़ा कर उसको इमोशनली थोड़ा सा ब्लैकमेल कर दी। मारवाड़ जंक्शन से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।